अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटिंग इंट्रोडस 2023। सो प्लान टू प्रिपेयर एडिटिंग इंट्रोडस, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स इस वक्त एडिटिंग की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, और इस तरह से एडिटिंग इंट्रोडस को हमें प्रिपेयर करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए तैयारी करते हुए कि हमारे SSC में भी एग्जाम्स अच्छे हो सकें और इंट्रोडस भी बहुत अच्छा हो सके। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पूरी बुक रीड आउट नहीं करना चाहता या पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहता लेकिन अच्छा स्कोर लेना चाहता है, क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं कि वो उन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करे और अच्छा स्कोर भी आ जाए बट थ्रू स्मार्ट वर्क। यानी ऑब्वियसली एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पूरी बुक रीड आउट कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है और लेकिन अच्छा स्कोर ले रहा है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो कि पूरी बुक रीड आउट नहीं कर रहा है या पूरी बुक पे एफर्ट नहीं कर रहा, चंद स्पेसिफिक टॉपिक्स या चंद ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को वो फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से उसका अच्छा स्कोर आ जाता है। तो हमें उसी स्टूडेंट की तरह तैयारी करनी है कि वो स्टूडेंट क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स को शेयर की कुछ स्ट्रेटेजीज, इंशाल्लाह इस बार भी आपको स्ट्रेटेजीज शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत जल्दी कर रहा हूँ, वरना नॉर्मली मैं इन बिटवीन या एट दी एंड बिल्कुल लास्ट में मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स को नॉर्मली, लेकिन क्योंकि इस बार कुछ आपके लिए सरप्राइज भी है इस वीडियो में तो मैंने सोचा कि यार आपके साथ शेयर करना था। सो देखें, हमारे पास बेसिकली तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायो, सही है। अब इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि तीन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। एज यू नो कि अगर आपके SSC में अच्छा स्कोर नहीं आता तो NET बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है कि आप इंट्रोडस में एटलीस्ट अच्छा स्कोर करो और उसका 50% काउंट होगा। FSC का 50% काउंट होगा और इंट्रोडस का भी 50%। इसका मतलब एक बच्चा जिसकी 82% है FSC में, सही है, उसका कितना काउंट हो रहा है 41%, ऐसा ही है। और एक बच्चा जिसका एंट्री टेस्ट में वो करता है 80 स्कोर, उसका काउंट हुआ 40%, तो बन क्या 81%, सही है। लेकिन एक बच्चा जिसके FSC में यार स्कोर अच्छा नहीं है, यार बड़ा नालायक बच्चा है जिसके अच्छा स्कोर आ नहीं सका किसी भी वजह से, बैड लक हो गया, अभी तो आपके एग्जाम्स होंगे लेकिन जब रिजल्ट आएगा लेट से आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, और मैं आपको इतना बता दूं NET इंट्रेंस जो होगा वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपके एग्जाम आपका एडमिशन्स होंगे, सेकेंड ईयर के बेसिस पे नहीं होंगे। क्यों, इसका रीज़न क्या है यार? आप सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया यार? इसका रीज़न ये है, जस्ट सिंपल सा रीज़न है कि आपके अभी एग्जाम्स नहीं हुए इतनी अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए, और एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए तो रिजल्ट इतना लेट आएगा, ऑब्वियसली अभी एग्जाम जब होंगे तो रिजल्ट भी लेट आएगा, जब रिजल्ट लेट आएगा तो NET का एडमिशन तो हो चुके होंगे, NET तो आपके रिजल्ट का वेट नहीं करेगी, सो दैट्स वाई NET विल कंसीडर योर फर्स्ट ईयर रिजल्ट। ओके, फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट होगा उसको कंसीडर करेगी। लेकिन एक बच्चा जिसके फर्स्ट ईयर में FSC से मुराद फर्स्ट ईयर 60% है, देख ले मैं बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन सपोज की है, थर्ड क्लास स्टूडेंट जिस मतलब पढ़ाई के रेस्पेक्ट से कि जिसका स्कोर अच्छा आया ही नहीं, उसका कितना काउंट हो रहा है 30%। और एक ऐसा स्टूडेंट, वही स्टूडेंट अगर मेरी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है, मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करता है और इंट्रेंस में वो ले लेता है 80%, तो इसका कितना बन गया 40 है और 30 है, कितना बन गया 70। तो यार ये 70% उसे अच्छी फील्ड में एडमिशन जरूर दिलाएगा, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो नहीं, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की अच्छी फील्ड्स, IIM हो गई, अच्छी फील्ड्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो इंट्रोडस को और जान मार ले 80 के बजाय 90 कर ले तो यार उसके चांसेस और ज़्यादा करीब हो जाएंगे अच्छी फील्ड से, वो और करीब होता जाएगा। तो बताने का मकसद यह है कि यार वो बच्चे जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद, या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया यार मैं अब पढ़ूंगा ही नहीं, डीमोटिवेट होगा यार, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर साल 20 से NET अब इंट्रोडस को क्या करती है 50% मार्जिन देना शुरू हो गई है, यानी इंट्रोडस में अगर आप 100 स्कोर करोगे तो 50 स्कोर काउंट होगा, 50% ही FSC का काउंट होगा,
विच इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका FSC में अच्छा रिजल्ट है या नहीं। सही, एक बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना। अगर हमारा स्कोर फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज नहीं भी थी तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी एक अच्छी फील्ड ले सकते हैं इंजीनियरिंग की। स्टिल बहुत बड़ी होप हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह ताला एक अच्छी फील्ड ज़रूर ले लेंगे। कैसे? स्ट्रेटेजी को फॉलो। अब स्ट्रेटेजी नंबर वन, यार बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा कि यार हर साल, यानी आप खुद सोचें कि 21 में हमारे पास एनडी का टेस्ट हुआ, सही है, 21 में ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ऑनलाइन घर पे नहीं, ऑनलाइन आप एनडी गए, एनडी की कंप्यूटेशनल लैब्स में आपने बैठे, स्टूडेंट ने बैठे कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट लिया। अब हर बच्चे का टेस्ट चेंज आ रहा है, क्यों? या शिफ्ट की फॉर्म में था ना, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, सही है, और फिर हर रोज टेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगा टेस्ट कम्प्लीट, 25 तारीख को भी हो रहा है, 26 फेब को, लेट से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर रोज टेस्ट हो रहा है, 7 से 8 दिन टेस्ट चल रहा है। तो आप ये सोचें कि हर रोज का जो टेस्ट था उसमें मल्टीपल MCQ स्टूडेंट्स ने शेयर किए, तो हमारे पास एक डेटा बनना शुरू हो गया, एक बंडल बनना शुरू हो गया, सही है, डेटा हमारे पास आना शुरू हो गया। फिर ये टेस्ट वन था, NDT 2 टेस्ट लेना शुरू हो गई, अब जिसमें टेस्ट स्कोर अच्छा होगा वो कंसीडर होगा। फिर टेस्ट 2 हुआ, उसमें भी हर रोज टेस्ट हो रहा है, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, डेटा आना शुरू हो गया। तो यार मैंने एक अप्रोक्सीमेशन दी, मैंने कहा यार 21 पे हमारे पास जो डेटा जमा हुआ होगा वो होगा 900+ MCQs का, सही। आप बात सुनिएगा गौर से, वो स्टूडेंट जो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाह रहे हैं वो पूरी बुक रीड नहीं करना चाह रहे, यार हार्ड में डालो पूरी बुक, मुझे सिर्फ स्मार्ट वे में टेक्निक को फॉलो करते हुए तैयारी करनी और एक अच्छा स्कोर करना है। भाई सर को फॉलो कर रहा हूँ, सर बताएंगे अच्छी बात। तो 900+ MCQs का डेटा बैंक हमारे पास मौजूद है, कहाँ से मिलेगा भाई? यार ये आपको मिल जाएगा YouTube से, सिंपल। मैं अब आपको टू द पॉइंट भी आ रहा हूँ, ये मिल जाएगा YouTube पे, डिफरेंट वीडियोस में आप जाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, मिल जाएगा कुछ वीडियोस में, मेरी में भी मिल जाएगा, और मिल मिला के तमाम वीडियोस को देखने के बाद 900 का कोई डेटा जमा हो गया। यार ये 900+ का भी डेटा आपको ईजीली, इतनी जो एफर्ट करनी है, आपने वीडियोस देख रहे हो, PDF डाउनलोड कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा अगर आप, मैं आपकी टाइम को रिड्यूस कर दूँ, इस वो जो टाइम आप उस पर लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, उस टाइम को मैं क्या कर दूँ, सेव कर दूँ और आपको एक ऐसा डेटा बैंक प्रोवाइड कर दूँ जिसमें आपके पास 900+ MCQs आपको मिल जाएंगे जो कि NDT के टेस्ट में आए हुए होंगे, और वो सिर्फ NDT के लिए नहीं, दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए भी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए भी वैलिड होंगे। बात आई समझ में? तो ये तो हो गया आपका 21 की बात। इसी तरह 2022 में यार टेस्ट हुए, टेस्ट वन में शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, एक दिन टेस्ट, फिर दूसरे दिन टेस्ट, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, वो चलता रहा, टेस्ट वन का डेटा जमा हो गया, टेस्ट टू का डेटा जमा हो गया, और मैंने बहुत कम एज्यूम कर रहा हूँ कि 900 MCQs का हमारे पास डेटा जमा हो गया जो कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको PDFs की फॉर्म में, वीडियोज़ की फॉर्म में मिल जाएगा। बट क्या होगा, आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि टाइम है नहीं हमारे पास। तो अगर ये डेटा आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाए और उस एप्लीकेशन में आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाएँ, तो क्या ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं होगा? होगा ना। तो ये तमाम MCQs का जो डेटा बैंक है ना, वो आपको मिल सकता। कैसे मिलेगा? अब देखिए, बड़े गौर सुनिएगा, वो बच्चे जो कि अपना टाइम सेव करना चाह रहे हैं ना, उनको ये टेक्निक बता रहे हैं। जो नहीं करना चाह रहे अपना टाइम सेव, चाह रहे नहीं यार हम उस टेक्निक की तरफ नहीं जाएंगे, सही है, हम क्या करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, PDFs को जमा करेंगे, एक जगह MCQs को नोट डाउन करेंगे, डेटा बैंक खुद क्रिएट करेंगे। तो क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन ये तमाम डेटा अगर आपको एक जगह मिल जाए, और इतने सारे MCQs को फिर करेंगे क्या यार, इतने सारे MCQs को जब आप कर लेंगे ना कॉन्सेप्चुअली, यानी इतने सारे MCQs को कॉन्सेप्चुअली कर लोगे, लिटरली आपके टेस्ट में अच्छे स्कोर आ जाएंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, नो वन स्टॉप यू, समझ रहे हैं बात को, कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। उसका रीज़न ये है यार, 1800 तो मैंने एज्यूम किया, हमारे डेटा बैंक में बहुत सारे MCQs मौजूद। अब वो डेटा बैंक मिलेगा कहाँ से? वो डेटा बैंक मिलेगा आपको मकसद की एप्लीकेशन से। अब ये मकसद का मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ, या देखो बात सुनो, मकसद का जिक्र करने का या यहाँ नाम लेने का एक रीज़न ये है कि आप मकसद पे आप जब जाओगे ना, इनके कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो,
तो इनके कोर्स के चार्जेस हैं 10,000। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लर्न एंड ग्रो या फिर मेरी लिंक के थ्रू आप इनरोल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 5,000 रुपये, आई थिंक विच इज़ अ स्मॉल अमाउंट। और ये अमाउंट इतनी नेगलेजेबल है कि अगर आप कोचिंग में जाते हो 50,000, 40,000, 60,000, 1,00,000 रुपये दे रहे हो, क्या हो रहा है आपका ट्रैवलिंग टाइम भी जा रहा है, फ्यूल भी जा रही है, फ्यूल बहुत महंगा है भाई, फ्यूल बहुत महंगा है, फिर आप क्या हो रहे हो कोचिंग में खवार भी हो रहे हो, कोई क्लास मिस हो गई, टीचर के पीछे लगे हुए हो, कोई क्वेश्चन पूछना है टीचर के पीछे लगे हुए, मकसद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो दे ही रहा है, कोई लेक्चर मिस हो गया दोबारा देख लिया, साथ में बहुत बड़ा फीचर भी दे रहा है। और वो बहुत बड़ा फीचर ये है कि यार किसी भी टाइम रात को 3 बजे भी अगर मुझे कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको स्कैन करूंगा, उसकी पिक्चर लूंगा, अपलोड कर दूंगा मकसद पर, विद इन द 5 मिनट्स, 5 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, विद इन सेकंड्स में, अगर मैं बात करूँ नैनो सेकंड की बात करूँ, नैनो सेकंड में आपके सामने सॉल्यूशन वीडियो आ जाएगी और वो कि एक टीचर ने बनाई हुई होगी। तो आप यार एज्यूम कर सकते हो कि यार किस लेवल की ये एप्लीकेशन है कि जो आपको इतने ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा मकसद पे ये सारा डेटा बैंक क्रिएट हुआ हुआ है, और ऐसे नहीं कि यार मैंने हाथ से लिखा हो या किसी दूसरे टीचर ने हाथ से लिखा हो, बहुत अच्छे से एक सॉफ्ट कॉपी की सूरत में मौजूद है, टाइप किया हुआ है डेटा अच्छे से, एमसीक्यूज को टाइप किया हुआ है, जो ये वो एमसीक्यूज हैं। यार देखो डेटा बैंक बनता कैसे, आपके सीनियर्स होंगे जो एनडी में इसको पढ़ रहे हैं, वो हमसे पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, बहुत से स्टूडेंट्स अलहमदुल्ला बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया, गाइड किया, वो गाइड ऐसे देने उन्होंने आके बताया यार सर ये एमसीक्यूज आया था, हमने बट वीडियोज बना दी, जिनका एमसीक्यूज नेक्स्ट डे था उनके लिए हेल्प हो गई, फिर उन्होंने आगे बताया। तो इस तरह से हमारे पास डेटा बनना शुरू हो गया। जब मेरे पास डेटा बन सकता है तो यार ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये डेटा नहीं बना सकती, इनके पास तो पूरा डेटा बैंक बन गया, और इनके पास 1800 से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज मौजूद हैं। अब सवाल ये होता है यार सर ये मैं 5,000 के अमाउंट इन्वेस्ट तो कर देता हूँ, और आप जितने बेनिफिट्स बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, यानी एक ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जिससे मैं विद इन सेकेंड अपना क्वेश्चन अपलोड करूँगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, रिकॉर्ड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंट्रोडक्शन के तमाम सब्जेक्ट्स, और एनडी के लिए नहीं वैलिड होंगे वो लेक्चर्स, डाओ हर यूजनेस के लिए इवन, यानी वो लेक्चर्स ऐसे प्यारे और बेहतरीन बनाए गए हैं, इतने टेक्निकल बनाए गए हैं कि वो नस्ट के लिए, एनडी के लिए, डाउट के लिए, डाओ के लिए, मेडिकल तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, इंजीनियरिंग तमाम यूनिवर्सिटीज के वैलिड हैं, प्लस डेटा बैंक मौजूद है। सर यार डेटा बैंक का फ़ायदा क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। यार लास्ट टाइम ना मैंने अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी तैयारी नहीं हुई थी, इंटर में परसेंटेज कम थी, अब कम परसेंटेज वाले होते हैं ना वो पढ़ते नहीं ज़्यादा, माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ऐसा है क्या सर कोई टेक्निक बताए। मैंने बोला यार ये देखो मेरे पास ये डेटा जमा हुआ है, तुम्हारा कल टेस्ट है या परसों टेस्ट है, एक काम करो इन एमसीक्यूज को याद करो, समझने का टाइम तो है नहीं, याद करो, सर यार फेल हो जाएंगे, समझा दिए। अब मैंने कुछ एमसीक्यू समझाना शुरू किए ना, तो अब जब उनको समझ आना शुरू हुई तो वो एमसीक्यूज उनमें से बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है वैल्यू चेंज हो रही है। जब एक एमसीक्यूज को आप समझ लोगे ना कॉन्सेप्चुअली, तो इन 1800 में जब आप 5 एमसीक्यूज को समझोगे कॉन्सेप्चुअली, तो उनके 20-25 तो ऐसे ही रिपीट हो रहे होंगे, वैल्यू चेंज होंगी। जब आपने 5 एमसीक्यू समझ लिए तो 20-25 आप कॉन्सेप्चुअली खुद सॉल्व कर लोगे, यार याद नहीं करने पड़े, रट्टा नहीं मारना पड़ा, समझे बात को। यानी उन 1800 में आपने 5 समझे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20-25 तो आप यूँ सॉल्व करोगे छुटकियों में, और फिर सॉल्व कर रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने समझ लिया तो जब आप 50 समझ लोगे तो फिर कितने सॉल्व कर लोगे। तो यही बताने का मकसद है कि जब आप डेटा बैंक में एमसीक्यूज को समझना शुरू करोगे ना, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मौजूद होगा। तो सर ये काम तो मैं बुक से भी कर सकता हूँ, यार बुक से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एनडी में आती नहीं है, तो फिर हर चीज़ को पढ़ोगे। अब वो कौन सी चीज़ें जो नहीं आती, वो देखो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आती उन्हें छोड़ दिया जाए, सही, और ऐसी चीज़ें जो आती हैं उन्हें पढ़ा जाए, तो ये शॉर्ट आउट करने में हमें मेहनत लगेगी। वो शॉर्टिंग हो गई ना यार एमसीक्यूज में, वही चीज़ें आई हैं जो आती हैं एनडी के टेस्ट में, सही है, तो वो शॉर्टिंग तो हो गई, वो एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद हैं जो आते हैं और जिन टॉपिक से आते हैं, तो जब हम उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, सीख लेंगे कॉन्सेप्चुअली, या मेरा टेस्ट तो यूँ निकलेगा। तो बताने का मकसद ये है, या पहले इन्फॉर्म करने का मकसद ये है कि यार इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो कॉन्सेप्चुअली। मैं भी वीडियोज़ बनाऊंगा, लेकिन एक हद तक बना सकता हूँ ना, इसी तरह डिफरेंट यूट्यूब चैनल वाले भी बनाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक बनाएंगे, एक लिमिट तक आपको डेटा मिलेगा,
जाहिर सी बात है जिन लोगों ने मेहनत की वो आपको फ्री में ऐसे डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मकसद वाले यार 10,000 का अगर कोर्स है वो 5,000 में दे रहे हैं बिकॉज ऑफ मी, तो आप उनको अवेल करो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं इसके साथ, डेटा बैंक तो मिल ही रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। उस डेटा बैंक को यूटिलाइज करो, कॉन्सेप्चुअली सीखना शुरू करो। जब कॉन्सेप्चुअली सीखना शुरू करोगे ना तो अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, सही है, अभी कहने को बहुत सारा टाइम है लेकिन इतना सारा टाइम नहीं। उस टाइम में क्या होगा कि आप इस डेटा बैंक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप रेडी होंगे लैंड करने के लिए। अब आपके पास कुछ ऐसा टाइम भी होगा कि यार मैं एडिशनल चीज़ों को भी देख लूँ, क्यों, जिसने बहुत अच्छा स्कोर लेना होगा ना वो बोलेगा यार मैं एडिशनल चीज़ों को भी देख लेता हूँ, मेरा डेटा बैंक तो हो गया कंप्लीट, अब मैं एडिशनल चीज़ें भी देख लेता हूँ। तो समझाने का या बात करने का मकसद यही है कि बेटा ये स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको फॉलो करके एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी जो किताबी कीड़ा नहीं है, सही है, तो वो भी अच्छा स्कोर ले सकता है 90-95+। हमारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं आप जिन्होंने ये स्ट्रेटजीज फॉलो की और कितना एमसीक्यूज आया 90+, 95+। आपने नोट किया होगा यार बच्चे क्या बोल क्यों बोलते हैं कि यार हमारे लास्ट की डिटेल्स की डेट मिल जाए, क्यों, शुरू के जो दिन में बच्चों के एमसीक्यूज देकर आएंगे, टेस्ट देकर आएंगे, डिटेल्स होगा, वो एमसीक्यूज आना शुरू हो जाते हैं फेसबुक पे, तो क्या होता है उनमें से मोस्टली एमसीक्यूज कुछ रिपीट भी हो रहे होते हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं, ज़्यादा दंडी। अब होगा क्या, जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी ना और उन एमसीक्यूज को भी अच्छे से कर लेगा तो उसके भी और अच्छे चांसेस हो जाएंगे, वो पास हो जाएगा। लेकिन जिसने पूरा डेटा बैंक प्रिपेयर किया होता है ना और उन एमसीक्यूज को भी साथ में तैयार करता है तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसको पता होता है यार आना इसी डेटा बैंक से ही है, इससे बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बुक पे कर लूँगा, बुक में बहुत सारी चीज़ें जिनसे नहीं भी, ऐसे टॉपिक भी होंगे जो मैं कर तो लूँगा तैयार लेकिन उनसे हो सकता है आए ना, लेकिन इसमें सारे वो टॉपिक्स होंगे जिनसे आ रहा है। सो आई होप आज की इस वीडियो में बात करने का कुछ जो पर्पज़ है वो आपको यहाँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इस वीडियो में ऑब्वियसली मैंने एक एफर्ट की आपको एक जो मेरा जो मैं आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ सके। देखो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है लिटरली। तो एक आपके पास एक जब डेटा बैंक मौजूद है जो कि एमसीक्यूज टाइप फॉर्म में मौजूद हैं, उन एमसीक्यूज को जब आप यूटिलाइज करोगे, पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, सीखोगे, कॉन्सेप्चुअली बात करोगे तो वो आपको बेनिफिट भी ज़रूर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो यूटिलाइज करो। अगर नहीं करना चाह रहे तो यूट्यूब पे भी मटेरियल मिल जाएगा लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म में होगा, उनको सॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं सॉल्यूशन होगा तो आपको मटेरियल ऐसी फॉर्म में होगा जो ब्लर फॉर्म में है, रीड आउट नहीं कर सकते या 10 मसले आएंगे, सही है, तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इसके अलावा आप बोलते हो यार मैं तो सर कोचिंग जाके अनीस हुसैन से तैयारी करूँगा, यार अनीस हुसैन कर लो तैयारी, 60,000-70,000 अगर अफोर्ड कर सकते हो तो क्या आप 5,000 की अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने ऊपर, 60-70,000 की लिटरली अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और फिर घर पे आके अलग से पढ़ोगे, तो यही चीज़ आप घर पे बैठ के रिकॉर्ड लेके उसमें पढ़ो, डेटा बैंक से यूटिलाइज करो, कॉन्सेप्ट सीखो और लैंड करो और इंडेक्स में अच्छा स्कोर करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।